मैं बड़ा भावुक व्यक्ति हूँ, आंसू मेरे 2 मिनट में आते हैं। मेरी बहन जब विदाई लेती थी, मतलब जैसे उनको पीहर से जब ससुराल जाती थी ना, तो पूरा परिवार रोता था, है ना। मेरी 4 बहनें हैं, चारों बड़ी है। पापा को मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा। मेरे को लगता था पापा क्यों नहीं रोते। फिर पापा खेत में जाते थे और वो वहां रोते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि अगर घर में रो लिए तो घर का सबसे बड़ा मेंबर ही रोने लग गया तो बाकी को शांत कौन करवाएगा। इसलिए फिर पिताजी खेत में जाते थे। भले ये जब हमें कब पता चला कि एक बार बरसात की ऋतु ही नहीं थी, पिताजी फिर भी खेत गए। तब मम्मी ने मुझे बताया कि पापा के बहुत वो है, बट हमारे सामने मजबूत बनने की एक्टिंग करते हैं। मैं बड़ा वो कमजोर हृदय का व्यक्ति हूँ और मेरे से क्या ये चीजें देखी नहीं जाती बिल्कुल। और विदाई में मैं 12वीं क्लास की, जब मैंने खड़ी में विदाई की, मैं भाषण नहीं दे पाया। जैसे शुरू किया आंसू आ गए और वो आंखें बंद ही नहीं हुई और बच्चे वेट ही करते रहे। मैंने कहा जा रहा हूँ बस। क्यों? क्योंकि वो बच्चों से इतना जुड़ा हुआ मजा मेरा हर बार रहता है। अभी यहाँ बैठा बैठा ही 2-3 बार मेरे आंसू आ गए कि कल ये बच्चे तो चले जाए, फिर मैं तो अकेला रह गया। क्योंकि ऑनलाइन में हम कितना भी पढ़ा लें, भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता। आप लोगों की जो शक्लें हैं ना, अब हम सब देखते हैं कि कौन बच्चा कहाँ बैठता है, हम सब पता है। नाम भले ही मत पता हो, हमें किसी का नाम एक्चुअली पता भी नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि इतने बच्चे आते हैं और 4 महीनों में सही तरीके से इंट्रोडक्शन भी नहीं हो पाता। लेकिन हमें सीट सब याद है, किस सीट पे कौन बैठता है। और दूसरी कभी सीट खाली होती तब लगते हैं कि यार ये सीट भी है तो उस सीट पे बैठता है, यहाँ कहाँ गया क्या आज।